प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ फसल बीमा कंपनी द्वारा बीमा प्रचार रथ तैयार करवाए गए हैं। ये बीमा प्रचार रथ गांवों में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे बताकर किसानों को जागरूक करेंगे। गुरुवार को जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने इन बीमा प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर गाँव के लिए रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक जिले के किसानों को मिले, इसके लिए जरूरी है बीमा योजना से जुड़ी प्रत्येक जानकारी जिले के हर एक किसान तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पात्र किसान बीमा के लाभ से वंचित नहीं रहने चाहिए। बीमा रथ वर्तमान में जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2021 के लिए योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इच्छुक किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल सके। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जिले के सभी गांवों में वाहन जा रहे हैं। मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत काश्तकारों को, जिले के निवासियों को अधिकाधिक जानकारी दें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बताया कि रबी 2017-18, खरीफ 2018 तथा रबी 2018-19 के बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए बीमा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि वे बीमा प्रीमियम जमा कराने के बावजूद क्लेम से वंचित किसानों की सूची 2 जुलाई तक LDM को उपलब्ध करवाएंगे। LDM 20 जुलाई तक वंचित रहने के कारण एवं की गई कार्यवाही से अवगत करवाएंगे। रबी 2018-19 में जिन किसानों का प्रीमियम लौटाया गया उनके संबंध में 10 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे जिले की 7 तहसीलें इनमें प्रचार रथ जा रहे हैं और इसमें जो माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा फसल बीमा योजना लागू की गई उसके बारे में जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे और जो काश्तकार हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका मौके पर निराकरण करेंगे। कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला ने बताया कि खरीफ 2021 के लिए राज्य सरकार की ओर से हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक ऋणी व गैर ऋणी किसानों द्वारा बीमा कराया जा सकता है। यदि ऋणी किसान बीमा नहीं लेना चाहें तो उन्हें 24 जुलाई तक अपने बैंक को इससे अवगत कराना होगा। इस दौरान कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला, बीमा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष गिरी, कृषि अधिकारी कुलदीप शर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि मौजूद थे।